हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 13 अक्टूबर 2021 को दोस्तों MTS का पेपर हुआ था, ठीक है। तो उसका आंसर भी फाइनली आ चुका है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि इस MTS पेपर में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें से GS का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है ना, और मैथ्स के 25 क्वेश्चन दोस्तों, एंड इंग्लिश के दोस्तों 25 क्वेश्चन आए थे। यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों, और OBC पेपर ही था दोस्तों, आपको पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर हुआ था फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड। MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। सो यहाँ से दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड। फर्स्ट का जो आंसर है दोस्तों आपका थर्ड है, और यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई आपने कौन सा सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप स्कोर अपना दोस्तों चेक कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर टिक किया हुआ है फ्रेंड, और जो आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे जैसे फोर्थ है, आपने सेलेक्ट किया थर्ड, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सो इस तरीके से नाउ ये सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ, बस आप देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं फ्रेंड। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दोस्तों कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चंस का। नो यहाँ से आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड, है ना। ये देखो हेडिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, वेन डायग्राम के बेस पे, तो इसका आंसर फर्स्ट है, और जो आपने सेलेक्ट किया दोस्तों वो नीचे की वन होगा। तो आप देख लीजिए इस बार क्वेश्चन का लेवल कैसा आया फ्रेंड। यहाँ से दोस्तों आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है आपका, यहाँ से यानी मैथ का क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रेंड। नौ यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पूरा पेपर दिखाया कि किस तरीके का पेपर दोस्तों इस बार आया था, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और आगे की प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों, प्लीज़ लाइक करेगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा फ्रेंड, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट।